राधे राधे, माय मैं चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेडिकेट्स, इसका रोल है क्वांटिफायर्स में और आगे निगेशंस उनके लिखने में। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सो इट इज़ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। और इसमें क्या होता है, इट बिकम्स ए प्रपोजिशन, एक प्रपोजिशन बन जाती है व्हेन स्पेसिफिक वैल्यूज़ आर सब्सटीट्यूटेड फॉर दी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ रखने पर यह प्रपोजिशन बन जाती है, जिससे हम ट्रुथ वैल्यूज़ जो हैं उसकी टेस्ट करते हैं कि उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने वाली हूँ। देखिए, जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, राम इज़ अ बैचलर, नेक्स्ट है सोहन इज़ अ बैचलर। ऐसे हो सकता है कुछ और भी होते हैं। मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने हर किसी के लिए अगर हमने ये कहा कि ये भी बैचलर है, ये भी बैचलर है, तो हम मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिखेंगे। तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे कैसे, हम इस नेम को, इस ऑब्जेक्ट को हम इसे रिप्लेस कर देंगे एक्स से। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एक्स इज़ अ बैचलर। ठीक, और इसको हमने नेम दे दिया पी एक्स, क्योंकि एक तरह से एक्स यहाँ वेरिएबल है, तो फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, तो पी एक्स लिख देते हैं। तो पी एक्स कोलन करके एक्स इज़ अ बैचलर, हमने क्या किया, इस नाम को हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया x। तो x इज अ बैचलर। तो ये x है, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट वेरिएबल। और ये जो px है ना, ये सेंटेंस जो लिखा px, इसको डिनोट कर रहा है सेंटेंस को। तो px क्या कहलाता है, प्रपोजिशनल फंक्शन। तो ये कंप्लीटली ये क्या बन गया, एक प्रेडिकेट बन गया। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसमें अब जैसे एक्स के लिए मैंने क्लास का स्टूडेंट, मान लो इन दोनों के अलावा मान लो मोहन भी है, तो हम कहेंगे मोहन इज़ अ बैचलर, अगर एक्स की वैल्यू मोहन है। ठीक है, तो हम हर एक्स की वैल्यू पुट करके हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, आपके पास एक एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन दिया है कि लेट पी एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3। तो स्टेटमेंट में है एक्स ग्रेटर दैन 3। तो यहाँ इसने ये पूछा है कि वॉट आर द ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ P4 एंड P2। तो इसका मतलब क्या है, ये P4 इंडिकेट कर रहा है कि एक्स की वैल्यू 4 है। तो 4 जब पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, P4, मतलब 4 ग्रेटर दैन 3, विच इज़ ट्रू। ठीक है, और अगर हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ग्रेटर दैन 3, तो विच इज़ फॉल्स। तो ट्रुथ वैल्यूज़ का मतलब है कि आप x की वो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और फिर ये बताइए कि वो स्टेटमेंट अब ट्रू है या फॉल्स है। और ट्रू और फॉल्स हम किस में देखते थे, प्रपोजिशन में देखते थे। तो इसीलिए मैंने आपको जो स्टेटमेंट अभी लिखवाया ना ऊपर, कि इट बिकम्स अ प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन बन जाती है कब, जब स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं सब्स्टिट्यूट की जाती हैं वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या है, ये एक सेंटेंस है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, है ना। तो फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। अब इसमें भी आपसे पूछिए हैं व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ द प्रपोजिशंस Q12 एंड Q30। तो 12 मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो हमने इसमें पुट की, यानी कि यहाँ पे रखा 1, यहाँ रखा 2, तो 1 = 2+3 आया, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, फिर 30 के लिए x को 3 रखा, y को 0 रखा, तो 3 = 0+3, तो ये तो सही है, तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है, तो कोई जो हमें मिला, ये जो फंक्शन है प्रपोजिशनल फंक्शन जो है, ये क्या हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल मैंने लिया जिसमें ट्रू होगा, कैसे, px लिया है, x स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव नंबर फॉर एवरी रियल नंबर x। तो हम इसमें 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रखें, नेगेटिव रखें, तो ये क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, तो दिस इज़ ट्रू। तो हमने लिखा पी एक्स इज़ ट्रू फॉर एवरी एक्स। तो यहाँ ये ट्रू हर वैल्यू के लिए है। तो वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ के लिए कोई स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, या ऑलवेज ट्रू हो सकता है या ऑलवेज फॉल्स हो सकता है। तो जैसे एक और एग्जाम्पल है कि पी एक्स है, एक्स स्क्वायर इज़ अ नेगेटिव नंबर फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, तो ये तो गलत है ना, हर किसी के लिए नेगेटिव तो नहीं होगा। ठीक है, हम नेगेटिव ले लें तो पॉजिटिव, बल्कि नेगेटिव तो किसी के लिए नहीं होगा, है ना, सबके लिए पॉजिटिव ही होगा। तो पी एक्स इज़ फॉल्स फॉर एवरी एक्स। तो इस तरह से बस हम ट्रुथ वैल्यू यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे आगे क्वांटिफायर पढ़ाना है नेक्स्ट वीडियो में, मैंने इसमें इसलिए नहीं लिया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश की है, जैसे अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है, रीता ही सक्सेसफुल, गीता ही सक्सेसफुल, है ना, और भी मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए लिखा है कि ये सक्सेसफुल वो सक्सेसफुल, तो हम इसमें प्रेडिकेट को यूज़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पी एक्स कोलन करके एक्स इज सक्सेसफुल। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अच्छा, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का स्टेटमेंट है, सम स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल, एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल, मतलब एवरी में सबको ले रहे हैं, सम में हम कुछ को ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हाउ टू राइट मैथमेटिकली, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है क्वांटिफायर्स की। तो क्वांटिफायर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, ये अच्छा लगा हो टॉपिक, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। टेक केयर, राधे राधे।